माह रमजान है और उसका है काबा खाली। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आज साइमा लग्जरी होम में वेलफेयर की टीम को ये एहसास बख्शा कि ईमान के सफर नामी एक सफर में हम सबको इन्होंने शामिल किया। हम तमाम लोग अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह को मनाने के लिए एक मुहिम चल रही है जिसमें हम सब ने इस सफर में अपने आप को शामिल करना है। ईमान के सफर में अल्लाह की रजा के खातिर काम किए जा रहे हैं, अकूत भाईचारगी इसका एहतमाम किया जा रहा है। अल्लाह की रजा के खातिर लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह तौफीक उन्हीं को देता है जिनको अल्लाह चुन लेते हैं। अल्लाह ने वेलफेयर की टीम को चुन लिया है, हमने इन तमाम लोगों को मजबूत करना है। आइए मैं भी और आप लोग भी इस सफर में इनके साथ घुट के मर जाओ ना, अब खुद को संभालो लोगों, अपने रूठे हुए खालिक को मना लो लोगों, अपने रूठे हुए खालिक को मना लो लोगों। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, हुजूर हम में से सारे लोग तो ये इस्तेआत नहीं रखते कि वो किसी को रोजा इफ्तार करवाएं, ये तो फिर उमरा ही बाजी ले जाएंगे कि वो रोज़ा इफ्तार करवाएंगे। तो हम लोग तो जो इस काबिल नहीं हैं, गुराबा हैं, वो तो फिर किसी को रोज़ा इफ्तार करके ये वाला सवाब नहीं कमा सकेंगे। तो रहमत आलम ने क्या जवाब दिया सुनिए। फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उससे भी अता करेगा जो दूध के एक घूंट से, एक चुहारे या खजूर से, या पानी के एक गिलास से किसी को इफ्तार करवाए, अल्लाह उसे भी ये सवाब अता फरमाए। जाते जाते हाथ में खजूर दे दी कि साईं मेरी खजूर से रोज़ा खोल लेना। किसी गरीब ने ऐसे भी किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दिया, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको भी पूरा पूरा सवाब अता फरमाए। तो ये तो उसकी करम नवाजी है, उसकी रहमतों का बाड़ा बट रहा है। हाँ, अगर किसी ने किसी को सैराब हो करके रोज़ा इफ्तार करवाया, सैराब करके अच्छा दस्तरखान लगाया, अनवा अकसाम की चीज़ें रखी, वो रज गया, तो सवाब तो उसे भी मिल गया जिसने पानी का घूंट पिलाया, जिसने दूध का घूंट दे दिया, जिसने चुहारा दे दिया, खजूर दे दी। लेकिन जिसने उसको रजाया, उसको खूब सैराब किया, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल्लाह उसको जामे कौसर अता करेगा। 50,000 साल के दिन में उस कौसर के जाम पीने के बाद उसको प्यास नहीं लगेगी, हत्ता कि जन्नत में चला जाएगा।